वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सॉल्यूशन, इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फॉर डाउट सेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से किसानों की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है और तिरंगा यात्रा बाबा भूमन शाह जी चौक पे पहुंच गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आज सिरसा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक साथ 5 बड़े कार्यक्रम हैं वो होने जा रहे हैं, जिसमें से चाहे स्वतंत्रता दिवस की बात करूं, उसके बाद किसानों की तिरंगा यात्रा है वो शुरू है। और जो है इस तिरंगा यात्रा पर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि किसानी उपकरण है उनकी झांकी है वो भी निकाली जा रही है, जो हल है, जो चरखा है, जो खास करके किसानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो है उपकरण है, चाहे जेली है, चाहे कस्सी है, तो किसान यहाँ पे जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और जो है सीधे तौर पर जो है किसानों की जो तिरंगा यात्रा है वो आज निकल रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे शहीद भगत सिंह स्टेडियम से ये तिरंगा यात्रा शुरू हो करके शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई जो है पक्का मोर्चा पर जो है संपन्न होगी। और दिखा रहे हैं तस्वीरें हम आपको कि ट्रैक्टर ट्रालियों में जो है तमाम जो ये अलग अलग झांकियाँ, चाहे मैं आपको तराजू है वो यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद बाइक से जो है रैली पीछे है निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा है वो किसानों की चल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे बाबा भूमन शाह चौक पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे आज किसानों की जो है तिरंगा यात्रा है वो निकल रही है। और चूँकि ट्रैक्टरों के साथ साथ जो है पीछे बाइक्स हैं वो भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं, और जो है शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होकर के ये तिरंगा यात्रा सिरसा के विभिन्न बाजारों से होकर निकलेगी। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा के PWD रेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और जो है किसान नेता हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर यात्रा जो है ट्रैक्टर को जो लंबा काफिला है उसके साथ साथ जो है बाइक्स जो है रैली है वो निकाल रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं लखा सिंह। हाँ जी, आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी यात्राएं निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये तिरंगा यात्रा एक BJP ने साजिश शुरू की थी जी, क्योंकि पहले वो भगवा ही लड़ाते रहे, उनके तिरंगे के आड़ में इकट्ठ करना शुरू किया, नहीं इकट्ठ हुआ तो किराए पे उन्होंने ट्रैक्टर वगैरह इकट्ठे करके एक यात्रा शुरू करी। भी ये किसान है जो तिरंगे का अपमान करेंगे, लेकिन किसानों ने ये दिखाया भी हम आपसे भी ज़्यादा सम्मान तिरंगे का करते हैं, ये तिरंगा सम्मान के लिए आज किसान है जो निकाल रहे हैं। और जो है इस यात्रा में जो है किसानी उपकरण है उनकी झांकी में निकाली जा रही है। हाँ, वो हम दिखा रहे हैं भी इन किसानी उपकरणों को बचाओ, इनको ख़त्म ना होना दिया जाए, ये हमारी पुरानी जो यादें हैं इनको ताज़ा रखा जाए। तो तीनों ही अध्यादेशों के खिलाफ जो लड़ाई है किसानों की आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुनीता दुग्गल है वो भी ट्रैक्टर लेकर के जा रही है, उनका ट्रैक्टर भी जो है किसानों की यात्रा के बिल्कुल साथ से जो है निकला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ किसान नेता जुड़े, और जो है आगे से हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें दिखाएं जहाँ पे सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल है वो ट्रैक्टर लेकर के निकल रही है, और दूसरी तरफ है जो किसान है वो जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सुनीता दुग्गल यहाँ से निकली है, मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है दशहरा ग्राउंड है तो वहाँ पे तिरंगा यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं खास करके उनसे की ओर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन किसानों की जो यात्रा है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर्स के बाद जो है बाइक्स का लंबा काफिला है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज सिरसा में एक साथ 5 बड़े कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस की बात करें, चाहे किसानों की तिरंगा यात्रा की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा की बात करें, चाहे हम आपको बता दें कि आज पंजुआना जो है लंगर केंद्र लंगर सेंटर है पंजुआना पे किसानों की ओर से, तो वहाँ से भावदीन टोल प्लाजा तक जो है तिरंगा यात्रा है वो भी निकाली जा रही है, जिसमें जो बाइक्स और ट्रैक्टर हैं वो मौजूद हैं जो भावदीन टोल प्लाजा पर जाकर के संपन्न होगी। तो एक साथ बड़े कई कार्यक्रम आज सिरसा में आयोजित होने जा रहे हैं, और किसानों की तिरंगा यात्रा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तिरंगा यात्रा के साथ साथ ही जो है सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल है वो ट्रैक्टर लेकर के यहाँ से निकली, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस बल का जो आज पहरा है सिरसा के तमाम चौक चौराहों पर जो है पुलिस बल है वो मौजूद है,
तैनात किया गया है कि किसी तरह का कोई टकराव ना हो जाए, क्योंकि किसानों की जो तिरंगा यात्रा है उसके साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा है वो भी एक ही समय में शुरू होनी थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के और एक ही रूट बताया जा रहा है, जो कि किसान यहाँ से चल करके बस स्टैंड और बस स्टैंड से फ्लाईओवर क्रॉस करके बाज़ार में जाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है वो चतरगढ़ पट्टी फाटक से होकर के डब्बाली रोड से आए बाज़ार में आएगी। तो वहाँ पे जो उस तरह की जो है बाज़ारों के सभी चौक चौराहों पे आज भारी पुलिस बल है वो तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का कोई टकराव ना हो जाए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले आह्वान किया हुआ है कि किसान किसी भी जो है तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा हो चाहे किसी भी पार्टी की हो, तो वो विरोध किसी भी तरह से नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद जो है तिरंगा यात्रा लेकर के आज जो है निकल रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी ठीक हो?